काजल राघवानी ने बड़े दिनों बाद पवन सिंह के साथ अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, अपने इंस्टा पर शेयर किया, और पावर स्टार पवन सिंह इसमें जो गाना गा रहे हैं धोखेबाज हो गई हो, इस गाने को काजल राघवानी ने ये कहा है भोजपुरी में लिखकर अपने कैप्शन में कि सही कहा है आपने जो कहा है। आपको ये बता दें कि बताया ये जा रहा है कि काजल राघवानी और प्रदीप पांडे चिंटू का ब्रेकअप हो चुका है, इन दोनों ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। साथ ही साथ भी बताया जा रहा है कि आगे आने वाले जितने भी प्रदीप पांडे चिंटू के प्रोजेक्ट हैं उसमें अब काजल राघवानी उनके साथ नज़र नहीं आएंगी, उन्हें रिप्लेस कर दिया गया है। काजल राघवानी और प्रदीप पांडे चिंटू ने अपने रिश्ते को लेकर कभी मीडिया के सामने कुछ नहीं बोला, लेकिन इन दोनों की केमिस्ट्री देख सभी अंदाज़ा लगा चुके थे इन दोनों के बीच कुछ तो पक रहा है। वैसे कहा यह जा रहा था कि काजल राघवानी प्रदीप पांडे चिंटू को लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव थी और वो चाह रही थी कि प्रदीप पांडे चिंटू अपने प्यार का ऐलान करें, लेकिन आपको यहाँ ये बता दें कि काजल राघवानी से पहले भी प्रदीप पांडे चिंटू का नाम कई अभिनेत्रियों के साथ जुड़ चुका है, लेकिन कभी भी उनसे अपने प्यार का इजहार प्रदीप पांडे चिंटू ने नहीं किया है। वैसे पवन सिंह के बाद प्रदीप पांडे चिंटू को भोजपुरी का कैसिनोवा कहा जाता है। आजकल काजल राघवानी, खेसारी और प्रदीप पांडे चिंटू इन दोनों के फैंस के निशाने पर हैं। वैसे आपकी क्या प्रतिक्रिया भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए? हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।